हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 103। ये इंग्लिश की वर्कशीट है फिफ्थ क्लास की। 7 नवंबर आज की डेट है। नेम यहाँ पे फिल करना है। देखिए, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। आपका ये यूनिट है गुलीवर ट्रैवल, ठीक है, जो कि हम लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको अपने टीचर का नेम फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रीड द स्टोरी गुलीवर ट्रैवल्स एंड फाइंड आउट टू वर्ड्स that are used to describe the country where Gulliver traveled to. Gulliver travel जहाँ travel करने के, तो जहाँ जिस country में गया था, वहाँ जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी चीज़ें थी, उनके दो words ऐसे ढूंढने जो कि उस country को represent करते हों, उसको describe करते हों, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं आपको दो word बताती हूँ, जैसे beautiful, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वेरी बिग, या फिर ह्यूज भी लिख सकते हो, वेरी बिग की जगह ह्यूज भी लिख सकते हो, ठीक है। ब्यूटीफुल एंड वेरी बिग, ठीक है, बहुत सुंदर था उनका गार्डन जो था, और ह्यूज मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें थी बहुत बड़ी बड़ी थी, जो आदमी थे वो भी बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत बड़े बड़े थे जो लोग थे वहाँ के, ठीक है। तो ये और एक और वर्ड लिख सकते हो आप, जैंट, ठीक है। तो ये हो गए जो आपके वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव, जो किसी जगह को, किसी प्लेस को या किसी मैन, किसी आदमी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर बताते हैं, उनका फीलिंग बताते हैं कि वो अच्छी है, ख़राब है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, एडजेक्टिव एक नाउन के बारे में बताती है। यूजिंग सिंगिंग सॉन्ग टुगेदर, चलिए एक सॉन्ग सिंग करते हैं जिसका नाम है द एडजेक्टिव सॉन्ग। एन एडजेक्टिव कैन टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, कलर, शेप एंड साइज, इट्स टेक्सचर और इट्स साउंड। फॉर इंटरेस्टिंग राइटिंग द एडजेक्टिव इज योर फ्रेंड, डिस्क्राइब फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो देखिए इसका मतलब समझते हैं। एन एडजेक्टिव कैन टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, ये जो एडजेक्टिव होती है वो हमें नाउन के बारे में ज़्यादा बताती है, ठीक है, नाउन का कलर कैसा है, शेप कैसी है, साइज कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ठीक है, और उसका साउंड। फॉर इंटरेस्टिंग राइटिंग एडजेक्टिव इज योर फ्रेंड, एडजेक्टिव क्या है, हमारी फ्रेंड है। डिस्क्राइब फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मतलब इसके जितने भी वर्ड्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस दिया है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड That describe a noun. बहुत सारे यहाँ पे देखिए adjective दिए गए हैं, mashy, blue, beautiful, delicious, fluffy, happy, tiny, shiny, brave, silly. ये सारे क्या हैं आपकी adjective हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए ये beautiful जो है rainbow को describe कर रहा है। rainbow क्या है, एक noun है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी चीज़ का name, जो किसी भी thing का name क्या कहलाता है, noun, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है। फाइंड नाउन्स एंड देयर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, राइट देम इन द टेबल, ठीक है। ये सेंटेंस दे रखे हैं आपको, यहाँ पे आपको नाउन फिल करना है और यहाँ पे एडजेक्टिव। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। किटन्स आर प्लेइंग विद अ राउंड बॉल, जो किटन है वो किससे खेल रही है, एक गोल बॉल से, राउंड बॉल से। तो जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, बॉल, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, राउंड, क्योंकि देखो बॉल को बताया जा रहा है ना, बॉल के बारे में बताया जा रहा है कि बॉल कैसी है, राउंड है। आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मेरे पास एक बहुत सुंदर ड्रेस है। तो देखिए ड्रेस क्या हो जाएगी आपकी, नाउन, और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव, ठीक है, बी ई ए यू, ब्यूटीफुल, ठीक है। बच्चों आप ये कह रहे होंगे कि ये किटन क्यों नहीं लिखा, किटन हमने इसलिए नहीं लिखा नाउन में, क्योंकि हमें जिसका एडजेक्टिव लिखना है उसी का नाउन, जिसका नाउन हो उसका एडजेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड किसका है, बॉल का है, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड किसका है, ड्रेस का है, जो कि ब्यूटीफुल है। और देखिए यहाँ पे किसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वुमेन का, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वुमेन, ठीक है, कैसी है वुमेन, काइंड है, तो काइंड आप यहाँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बट आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो चलिए ये खत्म हुआ, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, आपको के लिए क्या संदेश दिया है आपके। आज कैंसर जागरूकता दिवस है, आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का मुकाबला हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम से करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ कैंसरकारी तत्व जैसे कृत्रिम भोजन,
रंग, तंबाकू आदि का परहेज करेंगे। देखिए आज क्या है, कैंसर जागरूकता दिवस है, ठीक है बच्चों। तो कैंसर से बचने के लिए, कैंसर जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कैंसर से बचने के बस दो ही उपाय हैं, या आपको पौष्टिक भोजन करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। और आपको जो कृत्रिमिक, जो आर्टिफिशियल भोजन कलर, आर्टिफिशियल फूड कलर होते हैं जो कि खाने में कलर चेंज करने के लिए डाले जाते हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो आप बच सकते हैं कैंसर से, ठीक है। तो चलिए ये वर्कशीट आपकी यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से आकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।